नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके हिंदी टेक्निकल चैनल माय स्मार्ट स्टफ में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा हमारे टाइटल को, जिसमें आपको यह बताया गया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह घोषणा कर दी गई है कि रिलायंस कम्युनिकेशन 30 नवंबर को बंद हो जाएगा। उसके पहले यहाँ के ग्राहकों को कहा गया है कि आप या तो अपने नंबर को किसी और नेटवर्क में पोर्ट करा लीजिए या फिर आप हमारे 4G सर्विस को ले लीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, न कि रिलायंस जियो के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको पूरा बात बता दें कि रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस जियो में क्या अंतर है। दोस्तों, रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की कंपनी है और रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी की कंपनी। ये दोनों भाइयों की अलग अलग कंपनियां हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन जो है 2G और 3G नेटवर्क प्रोवाइड करती है और रिलायंस जियो जो है 4G नेटवर्क प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन ने भी 4G नेटवर्क प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। इसलिए उसने कहा है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप 4G नेटवर्क में अपने सिम को कन्वर्ट करा लीजिए, क्योंकि वह 2G और 3G नेटवर्क 30 नवंबर के बाद बंद कर देगा। इसकी घोषणा उसने ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दी है। आपने आज के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, इस पर यह लिखा गया है कि आपका स्वागत करते हैं, अलग अलग नेटवर्क कंपनियों ने अपने ऐड दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको वो पब्लिक नोटिस दिखा रहे हैं जिसमें कि यह घोषणा की गई है। दोस्तों, ये है वो पब्लिक नोटिस जो रिलायंस की तरफ से नोटिस जारी की गई थी। डियर गुजरात कस्टमर, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आरकॉम स्पेक्ट्रम लाइसेंस 2G सर्विस गुजरात अलॉटेड टू डॉट इंडिया एक्सपायर इन 29 सितंबर 2020 एंड हैंस वॉइस सर्विस वुड बी स्टॉप आफ्टर दैट इज गुजरात सर्कल। इसमें यह बताया गया है कि 29 सितंबर 2017 को पहले ही गुजरात सर्किल में रिलायंस कम्युनिकेशन के 2G और 3G नेटवर्क बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अगली जो नोटिस है उसमें यह बताया गया है कि ये पूरे और भी सर्किल्स में बंद होने वाली है। काइंडली कंटिन्यू टू एंजॉय आवर 4G डाटा सर्विस ऑफ गारंटेड UPS बाई सेंडिंग SMS पोर्ट 10-digit मोबाइल नंबर टू 1900 टिल 29 सितंबर। और इनसे कहा गया था कि अगर आप अपनी सर्विस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप 4G में खुद को कन्वर्ट कर लीजिए। इसके लिए मेथड बताया गया था जिसके तहत आप 29 सितंबर से पहले 4G नेटवर्क में कन्वर्ट हो सकते थे। आफ्टर दैट यू कैन कनेक्ट आवर कॉल सेंटर नंबर एंड टू गेट द UPS पोर्ट आउट एनी नेटवर्क ऑफ योर सर्कल। ये तो था गुजरात के लिए। लेकिन उसके बाद बताया गया कि द UPC विल बी वैलिड टिल 23:49:50 यानी 12 बजे रात तक 30 अक्टूबर 2017 एंड यू कैन पोर्ट आउट योर मोबाइल नंबर टू एनी अदर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टिल 13 अक्टूबर 2017। यानी इसमें यह बताया गया कि आपको 30 अक्टूबर की रात को 12 बजे से पहले अपने टेलीकॉम सर्विस जो ऑपरेटर है उसको किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर में कन्वर्ट कराना जरूरी है, अगर आप इसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो, अगर अपने उस मोबाइल नंबर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो। अगर आप रिलायंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको 4G नेटवर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये नोटिस जो है ये रिलायंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप इसे चाहे तो आप खुद भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रिलायंस कम्युनिकेशन की rcom.co.in पे जाना होगा और यहाँ पे आप सबसे लास्ट में नीचे जाकर पब्लिक नोटिस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है, ये 2G और 3G नेटवर्क बंद कर रहा है। अब ऐसा ये क्यों कर रहा है इसके बारे में आइए हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, हर जो रिलायंस कम्युनिकेशन है या फिर दूसरी कंपनियां हैं उनको हर समय लाइसेंस अपने अपग्रेड कराने पड़ते हैं। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के लाइसेंस जो है वो खत्म होने वाले हैं और रिलायंस कम्युनिकेशन कहता है कि हम आगे 2G और 3G सर्विसेज के लाइसेंस नहीं लेंगे, यानी उसे रिन्यूअल नहीं कराएंगे, केवल 4G नेटवर्क ही यूज करने के लिए ग्राहकों को देंगे। इसलिए वो 2G और 3G सर्विसेज बंद कर रहा है। तो अगर आप भी रिलायंस कम्युनिकेशन के 2G और 3G सर्विसेज में ऐड है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, 30 अक्टूबर से पहले उसे किसी और नेटवर्क में पोर्ट करा लीजिए या फिर अपने 4G मोबाइल फ़ोन में उसे 4G नेटवर्क में कम्युनिकेट करा लीजिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि ये खबर केवल रिलायंस कम्युनिकेशन का है, न कि रिलायंस जियो का है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलिए। साथ ही हमारे आने वाले और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।